तो बच्चों आज हम लोग फोर्थ लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल का। अब तक के प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व हो गया है। कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, देखें। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+6 विच आर पैरेलल टू द लाइन। हमें क्या करना है कि इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करना है, वो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। चलिए तो शुरुआत कैसे करें हम लोग, तो देखो दो तरीका होता है लगाने का, या तो x1 y1 पॉइंट ले लो या डायरेक्ट करोगे तब भी लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सिंपली डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, इट इज ए 2x+2। तो दे आर फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, ये आपका होगा 2x+2। तो दे आर फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका एट x, y वो हो जाएगा -1/2x+2। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमें उस नॉर्मल का डायरेक्शन तो पता है। सिंपली कहने का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा ऐसे एक कर्व है, ठीक। अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट पे ऐसे नॉर्मल ड्रा कर रहे हो, तो अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल किसी लाइन के पैरेलल है, यही वाली लाइन हमारी दे रखी है, तो इसका स्लोप इसके बराबर होगा। तो स्लोप तो पता ही है आपको, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब नॉर्मल जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो इस कहने का मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में बराबर होगा, तो काम तो बन ही गया हमारा। बस दिक्कत किस बात की है हमारे पास, है कि हमें वो पॉइंट नहीं पता है जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रा करना। तो आप यहीं से लिखेंगे, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे सिंस नॉर्मल जो हमारा है, नॉर्मल एट x, y इज पैरेलल टू लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, x+14y+4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, तो देयर फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन x+14y+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने ये निकाला है, तो ये -1/2x+2 हो जाएगा, और अगर आप इसका स्लोप निकालते हो तो -1/14 हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, इट इज ए 2x+2 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आपका 12 आ गया, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। x तो मिल गया है, सिंस वी हैव टू ड्रा द नॉर्मल टू दिस कर्व, तो यहीं पे इसी में x की जगह 6 लिख देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y आपको मिल जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6, तो इट इज ए 36 प्लस 18, तो y इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है 54। तो 10 रिक्वायर्ड पॉइंट जो मिल गया जिसपे आपको नॉर्मल ड्रा करना है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज वो आपका आ रहा है 6,54। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो फार्मूला होता है y-y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x-x1, ठीक। तो इन प्लेस ऑफ y1 वी हैव टू राइट 54, और स्लोप ऑफ नॉर्मल आप या तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए 2, x जगह 6 लिखेंगे तब भी -1/14 आएगा, या तो ये लाइन पैरेलल थी तो हम ऑलरेडी पहले से पता कर चुके थे, और ये हो जाएगा x-6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 14y-54 × 14 - इज इक्वल टू -x+6।
तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 14 वाई माइनस 54 इंटू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप सिंप्लीफाई करिए कितना आ रहा देखिए जरा साथ, एक्स प्लस 14 वाई, इससे हमने 6 कॉमन ले लिया है तो ये 9 इंटू 14 प्लस 1 आ जाएगा। पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आप टेंजेंट आपको सॉरी नॉर्मल मिल जाएगा। 49 जा कितना होता है, 49 जा होता है 126 और ये प्लस 1 तो हो जाएगा 127 इज इक्वल टू 0। तो बस आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 6,54 हो गया है। क्वेश्चन 23 है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है। तो आपसे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि जब दो कर्व एक दूसरे को काटेंगे तो उनके बीच का आप एंगल कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो दोनों कर्व को ये पता करेंगे कि दो कर्व हैं तो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे हम लोग पहले वाले से और दूसरे वाले कर्व से टेंजेंट ड्रा कर देंगे। अगर दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर। बस पूरे क्वेश्चन की थीम यही है हमारे पास। अब हमें शुरू कर देना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखा जाए। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू के कर्व 1 है और दूसरा मान लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको हमने 2 मान लिया ये हमारा। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके ये पता करेंगे कि ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्व 1 एंड 2। कैसे सॉल्व करोगे, हाउ डू यू सॉल्व दिस वन, तो हियर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, आप वो इक्वेशन 2 से एक्स की जगह वाई स्क्वायर इसमें लिख दोगे तो ये हमारा वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो दिस इज अ वाई क्यूब इज इक्वल टू के, तो वाई इज इक्वल टू के की पावर 1/3। अब ये के वाई मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस वाई की वैल्यू पुट वाई इज इक्वल टू के इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी k टू दी पावर 1/3 का होल स्क्वायर, दैट इज k इज इक्वल टू 3। तो दस आपको ये मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, मतलब 1 2 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। x की वैल्यू आपकी मिल रही है 2/3 और y की वैल्यू मिल रही है k/3। हमने ये काम कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिंपली जैसे मान लें कि एक कर्व ऐसे था, एक कर्व मान लिया ऐसे था, तो अगर ये ऐसे यहाँ पे टच कर रहा था और ये ऐसे कर रहा था तो होना क्या चाहिए था कि इस तरह से जब आप कर्व बने तो लगे यार कि 90 डिग्री है ऐसे इस तरह से। तो दोनों जहाँ भी काटेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हमारा होना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d/dx ऑफ के, सिंस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। आफ्टर दिस वन ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा हो गया एक्स इंटू dy अपॉन dx और ये प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -y अपॉन x। तो हम क्या करेंगे, देयर फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट k^2/3 और कमा k^1/3। हमने मान लिया कि ये हमारा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कर्व, निकालेंगे अगर हम लोग तो हमने मान लिया कि वो n1, या तो पूरा कर्व लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इतना टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू के, या डायरेक्ट भी लिख दीजिए तो चलेगा ठीक है। तो अगर m1 इतना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने निकाला तो यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो इन प्लेस ऑफ ए y वी हैव टू राइट k2 ऐसे, और ये लिख देंगे 2/3।
और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, ये -1/(k^3) मिलेगा। अभी तक हम इसको 1 बना चुके हैं, इसको 2 कर चुके हैं, तो हम इसको 3 कर लेते हैं। फिर आप इसको करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट इज़ अ 1 डेरिवेटिव ऑफ, इट इज़ अ dy/dx। तो यहाँ से आपको dy/dx की वैल्यू 1/2π मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट k^2/3 कामा k^1/3। लेट अस सपोज दैट दिस स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाई m2। जब m2 हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुटअप कर देंगे। y की जगह कितना लिखेंगे, k^1/3, इसको हमने मान लिया 4। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, तो आप यहीं से लिखिएगा कि सिंस 1 एंड 2 कट एट राइट एंगल्स। अगर ये राइट एंगल्स पे कट करते हैं तो होगा क्या कि जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट ड्रा करोगे उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा। दैट इज m1 * m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दीजिए, k^1/3। m2 की वैल्यू 1/2 k^1/3 इज इक्वल टू 1, माइनस इधर माइनस इधर, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 1 = 2 k^2, ये आपका 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 1/3 2/3 हो गया। हमें क्या प्रूव करना था, अब आप ध्यान से देखिए कि हमें ये रिजल्ट लाना है। तो ये कैसे आपको मिलना है, ध्यान से देखिए, क्यूब है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। जैसे आप क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो 1 का होल क्यूब तो ये हो जाएगा, 2 का होल क्यूब 2^3 है, और ये आपका k² आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट गिव्स अस एयर। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछेगा, तो बस खाली क्या करेगा, ये कर्व बदल देगा। तो आपने क्या सीखा कि अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, या कभी कभी राइट एंगल पे कहेगा, कभी कभी एंगल भी दे देगा। जब एंगल दे देगा तो आपने फार्मूला पढ़ा है, tan θ इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2, या m2 - m1/1 + m2, एक्यूट एंगल बिटवीन टू टेन, जो भी करना है तो आप सवाल बना लोगे। बस खाली ये पता करना कि सवाल को कैसे लगाना होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हेलो, देखिए इसके बाद हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का 24। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो खाली रखना है, सवाल तो लगाने, बस खाली आंसर लाने में जरा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट है कि आंसर कैसे आएगा। तो बस खाली आपको सॉल्व करना है, जरा सा एक चीज़ को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1, इट इज़ अ गिवन हाइपरबोला है। हमें क्या करना, और गिवन पॉइंट भी आपको दे रखा है। तो गिवन पॉइंट हमें दिया है कितना है, x0 y0। तो हमें इसी पॉइंट पे इस कर्व पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रा करना। बस क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करिए, सिर्फ आंसर लाना है। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट इज़ ए 2x / a² - 2y / b² dy/dx इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दिस वन वी विल गेट dy/dx, वो आ जाएगा आपका x / a² * b² / s। ठीक, अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 टू कर्व 1। हम जब उसको सॉल्व कर रहे हैं क्या है टू कर्व 1, तो वो कितना आएगा बेटा, आपको क्या करोगे, x की जगह x0 लिख दोगे और y की जगह y0 लिख दोगे, ऐसे हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल,
स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एक्स जीरो वाई जीरो टू कर्व वन। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर ये टेंजेंट का है तो नॉर्मल का क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस साइन में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए जीरो वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। चलिए तो काम बन चुका है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पता है, हमें पॉइंट भी पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स जीरो वाई जीरो। तो फार्मूला होगा आपका y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो। आप सबकी वैल्यू पुट अप कर दो, तो इट इज़ अ y माइनस वाई जीरो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, इट इज़ ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो और x माइनस एक्स जीरो। बस ध्यान दीजिएगा खाली एक स्टेप। अब हम क्या करें कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे का क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू वाई माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ वाई जीरो, इट इज़ ए एक्स इंटू एक्स जीरो इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स जीरो का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे कि डिवाइड बोथ साइड, सिर्फ आंसर लाने के लिए कर रहे हैं, बाय ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वाई इंटू वाई जीरो अपॉन ये बी स्क्वायर आएगा, ठीक। इसके बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे आप, तो ये ए जीरो से क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना था हम लोग को, तो ये आपका आ जाएगा वाई जीरो का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करोगे आप ऐसे, तो ये एक्स इंटू एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स जीरो का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने कहा सिर्फ आंसर लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्स जीरो, या इसी को देखो एक्स इंटू एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर, ये इधर जाता है, तो वाई इंटू वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर, ठीक, और ये इधर आएगा, तो एक्स जीरो का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और आपको आंसर में कुछ ऐसा दिख रहा होगा एक्स इंटू एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो बस यहीं पे क्या करना है हम लोग को कि x इंटू एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई इंटू वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे वन। फिर रीज़न क्या लिखेंगे कि सिंस एक्स जीरो वाई जीरो जो हमारा है लाई ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो दिस पॉइंट सेटिस्फाइड टू दिस वन, तो ये एक्स जीरो का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y जीरो का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसीलिए हमने क्या किया कि इन प्लेस ऑफ दिस पोर्सन वी आर राइटिंग वन, तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक। अब बारी आती है नॉर्मल की, नॉर्मल कैसे आप करोगे, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स जीरो वाई जीरो, फार्मूला होगा वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा ये है माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई जीरो और बी स्क्वायर इंटू एक्स जीरो और एक्स माइनस एक्स जीरो। आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा ध्यान से देखिए, आप चाहो तो ऐसे ही जैसे सिंपल लिखा वैसे यहीं पे आप इसको ऐसे लिख दो यार कि एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन वाई माइनस वाई जीरो और माइनस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई जीरो,
या सिंपली यहीं पे मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिए, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या जैसे फार्मूला लिखते थे हम लोग इस तरह से, तो बड़े आसानी से हम लोग ये भी बना सकते हैं। फिर आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद क्वेश्चन 25 अगर देखिए हम लोग एनसीईआरटी का ही, तो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, दिस इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन विच आर पैरेलल टू द लाइन। सब कुछ तो आसान है यार, कि हमें इस पर टेंजेंट ड्रा करना है जो लाइन के पैरेलल है। तो मतलब क्या होगा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगा, तो दोनों के स्लोप आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप कितना होगा बताइए, जब आप इसको y बराबर mx प्लस c के फॉर्म पे लिखोगे तो कितना मिलेगा? इसका स्लोप आपका आएगा 1/2 आएगा, इसका स्लोप कितना आएगा 2 आएगा, सॉरी इसका स्लोप हमारा 2 आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको स्लो लिखोगे ऐसे तो 2y = 4x + 5, तो y = हो जाएगा 2x + 5/2, तो इसका स्लोप हमारा 2 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व करना है, चाहे आप x1 y1 लिखिए चाहे डायरेक्ट सॉल्व करिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज़ अ dy/dx, d/dx ऑफ 3x - 2, ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। सिंस इट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, तो व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस वन, बेसिक एकदम आना चाहिए। पहले आप इसका रूट का करोगे तो 1/ ये आ गया, और इसके बाद जब आप अंदर का करोगे तो 3 × 1 - 0। तो यहाँ से dy/dx कितना मिल जाएगा आपको, तो dy/dx आपको मिल जा रहा है 3/2 √3x - 2। अब क्या करेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y टू कर्व 1। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा m के बराबर होगा, तो यही सिंपल हमारा आ जाएगा 3/2 √3x - 2। इसके बाद देखिए वैल्यू आप इसकी कैसे पता करोगे, तो आपसे साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इसके x, y पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे ना कि सिंस टेंजेंट है ना एट x, y जो है टेंजेंट एट x, y टू 1 इज पैरेलल टू लाइन 4x - 2y + 5 = 0, तो क्या हो जाएगा कि इस लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर हो जाएगा। तो इस टेंजेंट का स्लोप हमने यहाँ से निकाला था कि 3/2 √ ये 3x - 2, और यहाँ पे इसका स्लोप जब आप सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये 3 = 4 √3x - 2 आएगा। सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप। तो वेन यू स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको मिल रहा है 9 = 16, 3x - 2। कुछ छूटा हो तो देख लीजिएगा, को तो नहीं लग रहा कहीं से छूटा है। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 9/16 = 3x - 2, सो इट इज़ 9/16 + 2 इज़ इक्वल टू 3x। ये 16 × 32 और 9 41 आ गया, ऐसे इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू आ जा रहा 41/48 आ गया, x इज इक्वल टू 41/48 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इतनी आ गई, तो y की वैल्यू आप निकालेंगे तो आप देख रहे हो कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो x की वैल्यू तो आप क्या 3/3 से बड़ी ही लिखोगे, लेकिन y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसी की वैल्यू पुट अप कर दोगे, पुट x इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू मिलेगा √3 × 41/48 - 2।
जरा सा इसको और सॉल्व करिए, तो y इज इक्वल टू, ये देखिए ये आ रहा है 3 × 41 − 96 / 48। चाहे यहीं पे आप इसको सॉल्व कर लिए होते, जरा सा कितना इतना लंबा का है करने जाए। ये देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको कटा दो 3 से, तो ये हो गया 41/16 − 2, तो y इज इक्वल टू 41 − 32 / 60, तो y इज इक्वल टू ये आएगा 9/16। एक चीज़ ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट फंक्शन था, आप x की जगह तो जो भी डोमेन लिखो लेकिन y हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू से 3/4 लिखेंगे, माइनस वाला आप नहीं लिखोगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो 10 रिक्वायर्ड पॉइंट क्या मिल गया हमारा, 10 रिक्वायर्ड पॉइंट जो आपका है वो मिल रहा है हमारा 41/48 और 3/4। पॉइंट मिल चुका है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप फाइंड आउट करोगे तो फार्मूला होगा y − y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इसका है 2 क्योंकि उसके पैरेलल था, तो इसका स्लोप आएगा 2, और x − x1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल बी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 41/48, 3/4। थैंक यू। कल हम लोग मिसलिनियस के क्वेश्चन और कुछ ML अग्रवाल के क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में पूछे गए हैं, और फिर